हरे कृष्णा, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप जो धर्म के बारे में है, जो हमारे ग्रंथों के अंदर बातें हैं उनके बारे में आप बहुत कुछ सीख रहे हो। ठीक है, तो हमने ना एक पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि जिसके अंदर मैंने आपको एकादशी की दो कथाएं सुनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ, एकादशी का व्रत का आरंभ कैसे हुआ, वो चीज मैंने आपको बताई थी। तो आज हम बात करेंगे कि एकादशी के व्रत में क्या होता है और आपको कैसे रखना चाहिए और इसमें इसके अंदर इसका आपको क्या फल मिलता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो पूरे एक दिन का, यानी कि जो हमारे महीने के 15 दिन होते हैं, मतलब 15-15 दिन करके जो हमारा पूरा महीना बनता है, उनमें से जो हमारा 11वां दिन होता है उसको एकादशी बोलते हैं। ठीक है, या फिर मतलब एकादशी बोलते हैं जो 11वां दिन है। ठीक है, तो इस दिन के अंदर व्रत रखा जाता है। व्रत किसके लिए रखा जाता है? भगवान की खुशी के लिए, यानी कि इस दिन हमने कुछ मांगना नहीं होता कि हम कुछ मांगे। ठीक है, भगवान हमें दे देते हैं बहुत कुछ, पर हमें मांगने की जरूरत नहीं होती। जो इस दिन का व्रत रखते हैं उनका भगवान के साथ प्यार बढ़ता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्यार ज्यादा बढ़ा हुआ है संसार की चीजों के साथ, तो जो ये व्रत है इसे ये रखने से हमारा प्यार भगवान के साथ बढ़ता है और हमें भगवान देते तो बहुत कुछ है, क्योंकि भगवान का जो सारा कुछ है वो भगवान का ही है, तो वो अपने में से हमें कुछ भी दे देंगे। ठीक है, तो उस चीज की टेंशन नहीं है कि आपने कुछ मांगना है। बस व्रत के अंदर क्या होता है कि आपने कोशिश करनी है कि जैसे मान लो एकादशी से एक दिन पहले अगर हो सकता है तो आप 5-6 बजे ही खाना खा लो, उसके बाद आप कुछ ना खाओ। ठीक, और उसके बाद अगले दिन से आपका मतलब जो रात्रि के 12 बजे है उसके बाद आपका व्रत स्टार्ट हो जाएगा और अगले दिन पूरे आपका व्रत रहेगा और अगली सुबह का वो टाइमिंग होती है। ठीक है, जिसके अंदर आपका व्रत ओपन होता है। ठीक है, वो टाइमिंग अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं बता दिया करूंगा आपको, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक और इंस्टाग्राम लिंक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके अंदर टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग उस टाइमिंग के अंदर आपने कुछ भी अंदर खा के अपना व्रत ओपन कर देना होता है, क्योंकि तब से द्वादशी लग जाती है। ठीक है, और उसके बाद व्रत के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम सुनना है। ठीक है ना, और नाम लेते लेते आपने मतलब जितना ज्यादा सुनना है उतना सुनना भी है, क्योंकि इस दिन जो फल है उसका 1000 गुना ज्यादा फल आपको मिलता है, जो नॉर्मली फल मिलता है उससे 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप भगवान का नाम, अगर आपके पास माला है तो माला पे नाम लोगे तो और भी बेस्ट है। वैसे भी आप जितना ज्यादा नाम लोगे सुनोगे उतना ज्यादा फल आपको मिलेगा। और इसके अंदर मतलब ना इसकी 3 स्टेजेस ही बोल सकता हूँ मैं इसको, कि सबसे पहले तो अगर आप मतलब दूध पी के फल खा के पहली स्टेज में मतलब अगर आपने व्रत रखना शुरू किया है तो आप दूध फल खा के कुछ भी इसका व्रत रखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आती है जब मतलब थोड़ी सी आप आगे बढ़ जाते हो तो आप अगर चाहो तो दूध वगैरह फल वगैरह छोड़ दो, मतलब कुछ एक दो चीज छोड़ दो और कुछ एक हल्की फुल्की रख लो। ठीक है, या फिर आप दूध और फल दोनों छोड़ दो और सिर्फ पानी पियो, उसके ऊपर आप अपना व्रत रखो। और तीसरी जो सबसे बेस्ट स्टेज है जिसके ऊपर आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए कि पानी पिए बिना भी आप पूरा दिन व्रत रखो इसका। ठीक है, जो भी टाइमिंग है व्रत की वो सारे टाइमिंग में आप कुछ भी मतलब पानी भी मत पियो। तो ये सबसे प्योर मतलब कहने का मतलब है स्टेज है, इसके ऊपर आपने जाने की कोशिश करनी है, पर शुरू में आप नहीं जा पाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस व्रत को ऐसे रखने की कोशिश करें, आपको बड़ा ही अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो आज एकादशी ही है। ठीक है, एकादशी का आप अपना हर हर जो भी एकादशी आती है उसका आपने पूरा फायदा उठाना है इसका, आपको इसी जन्म में नहीं। ठीक है, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो 7 पीढ़ियां पहले थी और 7 पीढ़ियां बाद की है ना, उन सबको इसका फल मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसका बड़ा ज्यादा फायदा ले सकते हैं। आप चाहे और व्रत कोई रखें चाहे ना रखें, ये जरूर रखें, क्योंकि औरों में क्या होता है, और व्रत अगर आप नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपको पुण्य नहीं मिलेगा, बट लेकिन अगर आप ये व्रत नहीं रखोगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप खाना खाओगे और आपको पाप लगेगा। यानी कि आपको व्रत रखना चाहिए, इसकी बड़ी ज्यादा महत्वता है। चाहे आप किसी भी पुराण को किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे मेन चीज वही है कि आपका भगवान के साथ प्यार बढ़ता है, जो सबसे मेन चीज है, जो बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको रखने से आपको खुद ही फील होना स्टार्ट होएगा कि सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, तो बाकी हम ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे, नई नई चीजें आपको सिखाते रहेंगे, पर उसके लिए आपकी सिर्फ इतनी सी सहायता चाहिए, वो भी इसलिए ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जा सके। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार आए। ठीक है जी, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हरे कृष्ण।